80% इंडियंस के पास बैंक अकाउंट्स हैं और मोस्टली लोग अपने पैसे बैंक में रखते हैं क्योंकि घर में पैसा रखना सेफ नहीं है। जब भी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कैश कैरी करने में प्रॉब्लम होती है, सिक्योरिटी का इशू होता है और घर में पैसे रखने से रिटर्न्स नहीं मिलते। बैंक में पैसा रखने से जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो लगभग 4 से 6% मिलता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 6%, नहीं तो एवरेज 4-4.5% इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन इसके कंपैरिजन इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं हेल्थ केयर इन्फ्लेशन की बात करूं तो 8.87%, होलसेल इन्फ्लेशन की बात करूं तो 11%। तो एक तरह से आपका पैसा तो उतना ही है लेकिन महंगाई होने की वजह से आपका पैसा कम हो रहा है। इसको अगर आप इस तरीके से देखेंगे कि आपने अपना पैसा बैंक में रखा 4% इंटरेस्ट रेट पर लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 8 से 11%, तो इसका मतलब बैंक में पैसा रखने के बाद भी आपका पैसा कम हो रहा है। और रही बात बैंक में पैसे की सिक्योरिटी की, तो हम सभी जानते हैं बैंक फ्रॉड्स के बारे में, चाहे फिर वो विजय माल्या का हो, नीरव मोदी का हो, चंदा कोचर का हो या फिर अभी रिसेंट में एबीजी शिपयार्ड बैंक घोटाला हो। तो बैंक में पैसा रखने पर भी आपके पैसे की कोई खास सिक्योरिटी नहीं है। बैंक में पैसा रखकर छोड़ देना कोई स्मार्ट डिसीजन नहीं है। कोई भी इंसान अगर अमीर बनता है या फिर अपने पैसों की वैल्यू बढ़वा पाता है तो वो सिर्फ एक ही तरीके से बढ़वा पाता है और वो है इन्वेस्टमेंट। और लोग अलग अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी में करते हैं, गवर्नमेंट या कॉरपोरेट बॉन्ड्स में करते हैं, म्यूचुअल फंड्स या फिक्स डिपॉजिट में करते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट होती तो बहुत तरीके की है लेकिन इन सभी इन्वेस्टमेंट में रूल सिर्फ एक ही काम करता है कि जितना बड़ा रिस्क होता है उतना बड़ा रिटर्न आता है और जितना कम रिस्क होता है रिटर्न भी उतना कम होता है। हमारे माँ बाप का ऑल टाइम फेवरेट रहा है फिक्स डिपॉजिट और काफी हद तक वो लोग सही भी हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की जब बात आती है तो उसमें स्टॉक्स इन्वॉल्व रहते हैं, तो इसलिए वो लोग 10 बार सोचते थे। सबसे पहले तो यह समझ आना चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में ग्रुप ऑफ पीपल अपने मनी को इकट्ठा करके इक्विटी, एसेट्स, बॉन्ड्स, इन सब चीजों में इन्वेस्ट करते हैं एक एक्सपर्ट की मदद से। इसमें सबसे पहली चीज तो यह आती है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड्स ही क्यों, आप खुद भी तो जाकर के इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहली बात तो यह कि जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको खुद को बहुत नॉलेज होनी चाहिए स्टॉक मार्केट के बारे में, वरना पैसा डूब जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा केस ये हो सकता है कि मार्केट में किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लें, उसको आप कुछ पैसा पे करें और मार्केट में इन्वेस्ट कर दें। यह पहली चीज की अगर आप किसी एक्सपर्ट की मदद लेते हैं तो उसकी अच्छी खासी फीस होती है। और जब आप मार्केट में कोई शेयर खरीदते हैं, अगर मैं यहाँ MRF के शेयर की बात करूं तो उसकी एक शेयर की प्राइस लगभग 70,000 रुपए है। अब आपका एक्सपर्ट जिसको आपने हायर किया है वो कह देगा कि अलग अलग सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना है, तो इन सब चीजों के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। और जब आपके पास इतना पैसा नहीं होता तो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं तो आपकी जो फीस होती है एक्सपर्ट की वो भी डिवाइड हो जाती है, प्लस आप अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़े से भी पैसे हैं तो आप एक दो यूनिट खरीद के कई सारे सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने मार्केट की सबसे बेकार रिटर्न देने वाली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया और आपने फिक्स डिपॉजिट जितना पेशेंस रखा तो भी आप फायदे में ही रहेंगे। देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। पहला है इक्विटी फंड, दूसरा है डेब्ट फंड और तीसरा है हाइब्रिड फंड्स। इक्विटी फंड्स में स्टॉक इन्वॉल्व होते हैं, डेब्ट फंड्स में गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इन्वॉल्व होता है और तीसरा होता है हाइब्रिड फंड्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। इक्विटी फंड्स में ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, डेब्ट फंड्स में कम रिस्क इन्वॉल्व होता है और हाइब्रिड फंड्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ज्यादा रिस्क में ज्यादा रिटर्न्स, कम रिस्क में कम रिटर्न्स आते हैं, जो कि आप अपने गोल्स के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं।
बच्चों की एजुकेशन की अगर बात है तो आप एक अलग इन्वेस्टमेंट प्लान लेंगे, और अगर आपको घूमने जाना है, एक इंटरनेशनल ट्रिप करनी है, तो उसके लिए अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आपने एक ट्रिप प्लान किया और उसके लिए आपने ज्यादा रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट भी कंसीडर करी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर रिटर्न्स अच्छे नहीं हैं और आप ट्रिप पर नहीं जा पाए तो उससे कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। और यही बात अगर बच्चों की एजुकेशन की आ जाती है तो उसके लिए आप बहुत ही सिक्योर इन्वेस्टमेंट देखना चाहेंगे। जनरली हमारी जो अप्रोच रहती है टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट वो ये कि हम अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर से डिस्कस कर लेते हैं कि किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर ऑनलाइन जाकर उन म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी लेकर उनकी रेटिंग्स चेक कर लेते हैं, लास्ट 10 इयर्स के उन म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स चेक कर लेते हैं। लेकिन इतना इनफ नहीं है, इसमें आपकी मदद कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस। जी हाँ, ऑनलाइन काफी ऐसे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जैसे ईटी मनी म्यूचुअल फंड ऐप, पेटीएम मनी म्यूचुअल फंड ऐप, और भी कई सारे ऐप्स हैं जो कि आपकी सही म्यूचुअल फंड्स पिक करने में हेल्प करते हैं। ये ऐप्स आपको हर एक म्यूचुअल फंड्स का रिपोर्ट कार्ड शो करते हैं, जिसमें आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती हैं। पहला कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन, जो आपको यह बताता है कि ड्यूरिंग मार्केट करेक्शन इस फंड ने कितने अच्छे तरीके से फंड के लॉस को कंट्रोल किया। दूसरा है रिटर्न क्वालिटी, जो आपकी रिटर्न्स की परफॉर्मेंस बताता है कि कितनी कंसिस्टेंटली फंड ने रिटर्न जनरेट किए हैं। तीसरा है रैंकिंग। जनरली हम जब कोई फंड सेलेक्ट करते हैं तो उसकी रेटिंग्स देखते हैं और उसको ले लेते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब 3-4 फंड्स की रेटिंग सेम होती है। तो इन ऐप्स की रेटिंग्स ना सिर्फ रेटिंग्स के ऊपर बेस्ड होती है, बल्कि कंसिस्टेंसी और डाउनसाइड प्रोटेक्शन जैसे पैरामीटर को भी कंसीडर करते हैं। और इन ऐप्स की रैंकिंग न्यूमेरिक होती है, तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड हेल्प इन डिसीजन मेकिंग।